सो गाइज, अगर आप लोग को लाइट रूम का मास्टर बनना है, लाइट रूम एप्लीकेशन का बाप बनना है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे। तो पूरा प्रोसेस आप लोग को लाइट रूम के बारे में कोई बताया नहीं होगा, तो वीडियो को लाइन पर लाइक कर दीजिएगा। चले जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो जान, आज से आप लोग टेंशन छोड़ दीजिए कि मैं दूसरे को बोलने जाऊंगा कि भाई मुझे प्रीसेट बना करके दे दो, भाई मेरा प्लीज प्रीसेट बना करके दे दो, जिस लेवल का जो भी कलर आप लोग को प्रीसेट चाहिए। एंड आज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं, तो मैं आप लोग को लाइटरूम का मास्टर बना दूंगा। हर एप्लीकेशन का बात नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जो मेन होता है ना भाई, लाइटरूम एप्लीकेशन ही होता है। लाइटरूम एप्लीकेशन से ही सब कुछ प्रोसेस होता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आदेश भाई यूट्यूब पे पहली बार वीडियो डाला है पूरा प्रोसेस लाइटरूम का, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कहीं पे भी मिस नहीं करना है, नहीं तो फिर आप लोग का कमेंट आएगा यार आरडीएक्स भाई मुझे भी प्रीसेट अपना दे दो ना यार। तो मैं आप लोग को देखिएगा कितना भी ज़्यादा ब्लैक फोटो उसको मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे रिटच करेंगे, एंड आप लोग प्रीसेट बहुत सारा कलर में आप लोग कन्वर्ट करके बनाना सीख जाएंगे। सो दोस्तों, आप लोग को क्या करना होगा, ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लेना होगा लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन रहता है एंड यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाला देख लीजिए, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला, ठीक है ना। जितना भी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ये कुछ भी काम नहीं करता है, ठीक है, आप लोग को मैं बता दूँ ये काम नहीं करता है, ठीक है जान। मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ एंड जो प्रोसेस मैं बताऊंगा ना भाई, देख करके आप लोग भी बोलेंगे यार आर्टिस्ट भाई कैसे करते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्टिव वाला ऑप्शन रहता है एंड प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे देखिए सर्कल, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से इसको आप लोग को बड़ा कर लेना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आप लोग को इफेक्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड टेक्स्चर, ठीक है, टेक्स्चर को आप लोग को बढ़ा लेना होगा। यहाँ से 22 कर दिए हैं एंड यहाँ से डन कर दिए हैं एंड फोटो को जूम करके मैं आप लोग को क्वालिटी दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना जान। तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है जान। इतना करना, सिंपली आप लोग को आ जाना होगा यहाँ पे ऑटो होगा, ठीक है। ऑटो पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लेगा कि हाँ हमारा फेस कैसा है, कैसा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ लाइट वाले ऑप्शन पर आ जाइएगा एंड वाइट्स को, ठीक है ना, वाइट्स को आप लोग को 52 एंड यहाँ से ब्लैक्स को कुछ इस तरीके से 21, हाईलाइट्स को हल्का से बढ़ा लेना होगा, ठीक है, तो 34 एंड शेडो, ठीक है ना। एक्सपोजर को हम लोग माइनस में रखेंगे हल्का सा आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एंड कंट्रास्ट को आप लोग को माइनस में कर देना होगा हल्का सा, तो 6 एंड इतना करना सिंपली। अब आप लोग का करना होगा, ठीक है, सॉरी क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड हल्का सा तबीयत खराब है मेरी जान, इसके लिए सॉरी, ठीक है। एंड इस वाले ऑप्शन पे आने में सिंपली यहाँ पे देखिए सेचुरेशन, ठीक है ना, तो सेचुरेशन को हल्का सा आप लोग को प्लस में रखना होगा 6, ठीक है। एंड इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करके जैसे आप लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक कलर चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये वाला अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं यूज नहीं करता हूँ। तो सिंपली मिक्स वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा, एलो टोन पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन आप लोग 100 माइनस कर देना होगा, ठीक है ना। फिर से आप लोग ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन 100 प्लस एंड इसका ह्यू, ठीक है ना। तो ह्यू आप लोग अपने पीछे का बैकग्राउंड जो रहता है, यहाँ पे देखिए ह्यू ग्रीन टोन का, यहाँ से आप लोग अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, फोटो के हिसाब से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है जान। तो यहाँ से मेरा ये वाला बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है, तो सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाएगा सेचुरेशन, इसका सेचुरेशन हल्का सा माइनस कर लीजिएगा यानी 100 माइनस, ठीक है जान। एंड इतना करना, सिंपली आप लोग इस वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड सेचुरेशन, ठीक है ना, कपड़े का कलर, अगर आप लोग के कपड़े पे लाइट नहीं होगा तो सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो लाइट आएगा एंड साथ ही साथ इफेक्ट आएगा। तो सेचुरेशन को हम लोग यहाँ मैक्सिमम प्लस ही में रखेंगे ताकि कपड़े के ऊपर लाइट आए, चमक आए, तो अच्छा लगे फोटो हम लोग का। एंड इतना करना, सिंपली आप लोग को इस सॉल्यूशन पे आ जाना होगा, लेमनेस को क्या करेंगे हम लोग 100 प्लस कर देंगे, सेचुरेशन को भी 100 प्लस कर देंगे एंड अभी मेन पॉइंट बचा है हम लोग का, ठीक है ना, जो भी स्टेप है अभी मेन बचा है, ठीक है जान। सिंपली आप लोग इस सॉल्यूशन पे आ जाइएगा, लेमनेस को आप लोग 100 प्लस कर देना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग को मैं फोटो का क्वालिटी दिखाता हूँ बिफोर पहले किस तरीके से है एंड आफ्टर में आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, इस सॉल्यूशन पे आ जाइएगा, हल्का सा लुमिनस को बढ़ा लेंगे ताकि फेस के ऊपर लाइट आ जाए तो अच्छा लगे फोटो हम लोग का एंड सेचुरेशन को हल्का सा माइनस कर देंगे। एंड अब आती है मेन पॉइंट, ठीक है ना, यहाँ से डन करके हम लोग आ जाएंगे इस सॉल्यूशन पे एंड यहाँ पे इसका, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन विंटेज होगा, विंटेज को आप लोग मैक्सिमम 22 माइनस कर लीजिएगा एंड यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसको आप लोग 100 प्लस कर देना होगा
फिर से आप लोग चले जाइएगा इस वाला ऑप्शन पे एंड ऊपर प्लस वाला आइकन होगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ब्रश वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग को अपने बैकग्राउंड को पेंट करना है, ठीक है जान। जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से बारीकी से जैसे आप लोग पेंट करेंगे ना भाई, एक गजब का लुक आएगा भाई, आप लोग देखिएगा, ठीक है। इतना करना सिंपली कलर ऑप्शन पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग रिमूव कर लेंगे एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी बैकग्राउंड, ठीक है ना, एडजस्ट हम करा रहे हैं, आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से ही कीजिएगा, ठीक है जान। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ इसका बहुत प्रोसेस है, ठीक है जान, बहुत सारा सेटिंग है कि कैसे आप लोग अपने पीछे का बैकग्राउंड को डार्क एंड ऑल टाइप, ठीक है जान, ऑल टाइप आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फेस येल्लो टोन हो चुका है, तो काफ़ी लुक आ चुका है एंड इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ठीक है जान। यहाँ पे फुल HD हाई क्वालिटी हो रहा है, तो हल्का सा मेरी जान यहाँ पे फ़ोन लेग कर रहा है, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ से आप लोग को डन कर लेना होगा एंड अब आप लोग फोटो में क्वालिटी देखिए बिफोर एंड आफ्टर। एंड इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, शेयर वाले ऑप्शन पे एंड यहाँ पे नीचे देखिएगा एक्सपोर्ट एस होगा, ठीक है जान, इस पर क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से हम लोग क्या करेंगे DNG बनाएंगे। तो DNG बना करके जैसे आप लोग सेव करेंगे तो प्रीसेट बन करके तैयार हो जाएगा। आशा करते हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग एरिया से वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे पूरा वीडियो आज करेंगे। थैंक यू सो मच मेरी जान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बवाल तक तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू एंड जय हो सिद्ध बाबा।